आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड खोया, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसानी से 10 मिनट्स में बन जाता है। तो चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड खोया। तो होममेड खोया बनाने के लिए 1 कप हमने मिल्क पाउडर लिया है, 1/2 कप फुल क्रीम मिल्क और 3 टेबल स्पून देसी घी के। अब एक पैन में 3 टेबल स्पून हम देसी घी डालेंगे। अब इसको मेल्ट होने देंगे। जब देसी घी मेल्ट हो जाए तो इसमें हम 1/2 कप दूध का डालेंगे। अब इसको हम गरम होने देंगे। जब मिल्क गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैं इसमें 2 पार्ट्स में मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और मिल्क पाउडर डालकर इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि इसके लम्स ना बने। मिल्क पाउडर और दूध जो है वो अच्छे तरीके से, देखिए ये मिक्स हो गया है, कोई इसमें लम्स नहीं है। अब इसको मुसलसल हिलाते हुए आपने कुक करना है मीडियम लो फ्लेम पर। आप इसको कुक करें, हाई फ्लेम पर कुक ना करें। और कुक करते हुए साथ साथ आप साइडों को भी साफ करते रहें। कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहें, अदरवाइज ये नीचे लग जाएगा और हमारा खोया जो है वो तैयार नहीं होगा। अब देखें ये ठीक होना स्टार्ट हो गए हैं, इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसको मुसलसल हिलाते रहें। ये देखें ये ठीक होना स्टार्ट हो गया है और पैन को भी इसने थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए। और इसको मुसलसल हम हिलाएंगे। ये देखें खोया जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। हमें यही टेक्सचर चाहिए। इसने हल्का हल्का आयल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और पैन से भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसको एक बर्तन में डालेंगे ठंडा करने के लिए। खोया हमारा तैयार है, अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे ठंडा करने के लिए।
हमारा होममेड खोया बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट बना है। और ये देखिए बहुत ही इजीली घर पे तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। आप भी इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।